अगस्त यानी दिन रविवार को जनता कर्फ्यू की अपील माननीय प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने किया है और इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है। बिहार में जनता कर्फ्यू के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई और आम जनता से निवेदन किया गया कि 22 मार्च यानी दिन रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर संध्या रात्रि 9 बजे तक अपने घर से बाहर न निकले और प्रधानमंत्री के अपील को समर्थन के साथ कोरोना भारत को दूर भगाएं। का परिवार सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित रहेगा। अतः इस देश हित के कार्य में कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए आप 9 बजे तक आप अपने अपने घरों में रहें ताकि इस बड़े महामारी से लड़ने में सहयोग मिल सके। ताकि इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने अपने घरों में कम से कम सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक रहें। इस महामारी से लड़ना है और कोरोना से दूर भगाना है तो सब तमाम विश्व में फैल चुके महामारी को रोकने में आपका सहयोग जरूरी है। अतः तो आप कल अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। कल दिनांक 22 तारीख को आज तमाम नगरवासियों से अपील की जा रही है कि अपना अपना दुकान प्रतिष्ठान बंद रखेंगे ताकि इस बड़े व्यापक महामारी को रोकने में सहयोग मिले। प्रधानमंत्री के आह्वान पे कल जनता कर्फ्यू लगाया गया मोदी द्वारा, इस पे क्या सपोर्ट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये प्रधानमंत्री की जो आह्वान है उससे बड़ी बात है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए इस लड़ाई में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। हम लोग एक टीम और सरदार के नेतृत्व में हम पूरे बिहार को यह जागरूक करना चाहते हैं कि आप सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक अपने घर में रहेंगे ताकि इस बड़े प्रकार की महामारी जो पूरे विश्व में फैल चुकी है उससे रोकथाम मिल सके। इसका एकमात्र उपाय है, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं निकला है, न कोई इलाज है, इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप अपने अपने घरों में कैद रहेंगे। ये बैक्टीरिया से फैलने वाली चीज़ है और जो वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं है, वायरस से फैलने वाली चीज़ है। वायरस ऐसी चीज़ है कि आप किसी के संपर्क में आते हैं तभी फैलता है। अतः हम प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर पूरे देश और अपने नगरवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप इनमें सहयोग प्रदान करें ताकि इस महामारी से हम लोग बच सके। हम अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। इनकी यही हमारे लोग की अपील है।